कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगे, आपको व्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करते ही आप दोनों जगह पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वही एनालिसिस मैं सिखा भी रहा हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में उसका भी डेमो लेक्चर का लिंक अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलेगा। इस स्टॉक का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो पहले वॉल्यूम्स काफी कम हुआ करता था इसके अंदर, और रिसेंटली रिजल्ट्स के बाद जिस तरह से यहां पर प्राइस एक्शन देखने को मिला है, 5%, फिर 20% और फिर ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, सो हायर टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूं तो अभी भी स्टॉक्स में काफी हायर लेवल पॉसिबल है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूं, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम, हायर साइड्स के टारगेट यहां पर पॉसिबल है करीबन 1200 के आसपास के। मंथली टाइम फ्रेम भी यहां पर देख रहा हूं, सो 1200 इजीली अचीवेबल टारगेट है इस स्टॉक के लिए। सो किसी ने भी इस स्टॉक के अंदर पोजीशन बना के रखी है तो उसको होल्ड करना चाहिए, और अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर किसी को बनाना है तो मैं ऐसा सजेशन देता हूं, यहां पर 920 से लेकर 900 की रेंज में, 920 से लेकर 900 की रेंज में किसी को भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी हो तो जरूर बना सकता है, और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 886 रुपीज का। सो FIM इंडस्ट्री में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी किसी को बनाना है, जितना रिस्क मैंने बताया है, जो लेवल्स मैंने बताया है, उसी लेवल पे किसी को भी काम करना हो तो जरूर काम कर सकते हो, और जो अग्रेसिव कैटेगरी के लोग है वही काम कीजिएगा, और इस स्टॉक में कम क्वांटिटी में काम करना है क्योंकि नॉर्मल दिनों में वॉल्यूम्स काफी कम रहता है इस स्टॉक के अंदर। सो बड़ी क्वांटिटी बाय कर लोगे तो फिर बिकेगी नहीं इजीली, सो स्मॉल क्वांटिटी में किसी को भी काम करना हो FIM के अंदर आप जरूर काम कर सकते हो, और हायर लेवल्स की अगर मैं बात की तो 1200 के लेवल्स इजीली अचीवेबल है इस स्टॉक के लिए। चार्ट्स के ऊपर से ही मैं आपको बता रहा हूँ, 1200 इज अचीवेबल टारगेट, सो किसी को भी काम करना हो तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ काम कीजिएगा इस स्टॉक के अंदर। सो यो विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर हम काम कर रहे हैं। अगर यही एनालिसिस आपको भी सीखना है तो ज़रूर आ सकते हो मेरे पास। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अपने आँखों को और दिमाग को ट्रेन कीजिए, इंडिकेटर के सहारे मत काम कीजिए। योर आई इज़ द बेस्ट इंडिकेटर इफ़ यू नो वॉट यू आर लुकिंग फॉर। सो मेरा एडवाइस आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस फिर से मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।